नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2021-22 को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। रीट लेवल फर्स्ट के रिजल्ट को जारी करने से पहले ही दोस्तों चौंकाने वाला बयान यहाँ पर सामने आया है। वहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भी रीट को लेकर बयान दिया है। दोस्तों, क्या पूरी अपडेट इस वीडियो में बात करेंगे। और कल आपका सुप्रीम कोर्ट का भी दोस्तों फैसला आएगा, BSTC BEd विवाद, जो आपका लेवल फर्स्ट में BEd वालों को शामिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है लेवल फर्स्ट वालों के साथ BEd वालों को भी शामिल कर सकता है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। भर्ती पर स्टे भी आ सकता है। लेकिन उसी बीच दोस्तों, उपेन्द्र यादव जो लगातार आंदोलन कर रहे थे दोस्तों, और 23 फरवरी को विधानसभा घेरा भी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने बयान दिया कि तकरीबन सूत्रों से अपडेट के अनुसार एक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के एक कर्मचारी का बयान आया कि 60,000 छात्रों के नंबर 130 प्लस हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि 60,000 छात्रों के नंबर 130 प्लस बताए जा रहे हैं। जो काउंसलिंग कराई है वो 1.25 लाख से ज़्यादा छात्रों ने काउंसलिंग है वो कराई है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सबके लिए चौंकाने वाले खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं कि एक जो सीनियर अधिकारी है उसने उपेन्द्र यादव को बताया कि 60,000 छात्रों के नंबर हैं वो आपके 130 प्लस यहाँ पर नंबर जा रहे हैं। तो कट ऑफ का अंदाज आप लगा सकते हैं। हाईकोर्ट में 43 याचिका दायर हैं, परीक्षा परिणाम बहाल करने की मांग उठाई, सीएम को ज्ञापन भी दिया है। लेवल 2 वालों ने जो पेपर रद्द कर दिया, उन्होंने मांग की है कि 300 लोगों की सजा लाखों को क्यों दे रहे हैं, हमारा जो पेपर है वो रद्द नहीं होना चाहिए और इसकी जो भर्ती है उसको बहाल करे और सभी को ज्वाइनिंग दे। रीट पेपर लीक को लेकर SOG के अफसर भी शामिल हैं। इसको लेकर जो किरोड़ीलाल मीणा ने जो है आरोप लगाए कि इसमें जो आपके SOG के ऑफिसर हैं वो भी इसमें लिप्त हैं। रीट में नियुक्ति अप्रैल तक मिल जाएगी, लेकिन 31 हज़ार कैंडिडेट की मेरिट बनेगी। और जो शिक्षा मंत्री हैं BD गल्ला, उन्होंने भी बयान दिया था कि अगर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी तो लेवल फर्स्ट की भी जांच कराएंगे। तो रीट लेवल फर्स्ट के 15,500 अध्यापक पदों की भर्ती के लिए 31 हज़ार कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट चेक होंगे। पद के डबल कैंडिडेट की लिस्ट बनाई जाएगी, यानी कि 2x गुना कट ऑफ आपकी आने वाली है। तो दोस्तों, 60,000 छात्र काफ़ी अधिक हैं। हालांकि सर्वे किया था उसके अनुसार मैंने धौलपुर जिले के लगभग 500 के आसपास छात्रों के नंबर 130 प्लस थे। तो आप सभी ज़िलों में अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ज़िले भी हैं, उनमें आपकी जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी। तो दोस्तों, आपकी जो मेरिट लिस्ट की बात करूँ तो वो कल के बाद ही आएगी, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी नज़र रहेंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट लेवल फर्स्ट में BEd वालों को शामिल कर देता है तो जिन छात्रों ने लेवल फर्स्ट में BEd का, जो BEd वाले छात्र थे लेवल फर्स्ट का एग्जाम दिया था, उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा, तो कट ऑफ और बढ़ सकती है। हो सकता है कि रीट लेवल फर्स्ट पर स्टे भी आ जाए। तो अप्रैल तक आपको ज्वाइनिंग है उसमें नियुक्ति है वो मिल जाएगी, अगर सब कुछ सही रहता है। वरना दोस्तों, ये भी भर्ती आपकी कोर्ट में अटक सकती है। आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और रीट को लेकर दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कट ऑफ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 80% से अधिक जाने की संभावना है मेरिट। पिछली जो भर्ती हुई थी 2018 की, उसमें 74% कट ऑफ गई थी, और लगभग जो पद थे दोस्तों वो भी इस बार आपके जो पिछली भर्ती में 26,000 से ज़्यादा पद थे और इसके लिए 77,000 आवेदन आए थे, लेकिन इस बार डबल आवेदन आए हैं और आपके पद भी लगभग 10,000 कम हैं, यानी कि 15,500 पद हैं। तो आगे दोस्तों, आपकी कट ऑफ का जो खुलासा होगा दोस्तों, वो आपका रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।